नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि आज 5 मई 2020 हो चुका है और सुबह सुबह बड़ी खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि पीओ के खाली करने के आदेश मिल चुके हैं। वही अब कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है, जिसके अंदर भारत आर्मी के कई जवान शहीद भी हुए, जिसको लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी और ऐलान जारी भी कर दिया है कि पीओ के पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार सीमा को लांग रहा है, जिसके चलते अमित शाह नाराज हो गए और उन्होंने पीओ के खाली करने के आदेश दे दिए। और अब कुछ बड़ा होने भी वाला है, जिस प्रकार से धारा 370 हटाई गई थी उस समय भी कुछ बड़ा होने वाला था, आर्मी भी लगाई गई थी, उसी प्रकार अब भी कुछ बड़ा होने वाला है। लगातार सर्जिकल होने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह सुबह पाक आर्मी के द्वारा सीज फायर फिर से शुरू कर दिया गया है और अब भारतीय आर्मी पूरी तरह से तैनात भी हो चुकी है। और जिस प्रकार से गृह मंत्रालय से जो खबर सामने आ रही है उसके चलते अब पूरी तरह से कश्मीर के अंदर पीओ के खाली करने के आदेश भी मिल चुके। वहीं पीएम मोदी ने भी जो जवान शहीद हुए उनको लेकर संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका पाकिस्तान के द्वारा, अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर सियासी घमासान को लेकर भी खबर सामने आ रही है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ा बयान दे दिया है कि उद्धव ठाकरे को वो मनोनीत नहीं करेंगे, 21 मई को चुनाव एमएलसी के कराने ही होंगे, अन्यथा महाराष्ट्र राज्य के अंदर उद्धव ठाकरे को अपने सीएम पद के साथ साथ पूरे कैबिनेट मंत्रालय को इस्तीफा देना होगा। ये राज्यपाल से बड़ी खबर आज सुबह 5 मई की निकलकर सामने आ रही है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत और शिवसेना एनसीपी के दिग्गज नेता भी बयान दे चुके हैं कि उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी बचानी है तो फिर चुनाव करवाने ही होंगे, चाहे ये महामारी हो या फिर भारत देश के अंदर लॉकडाउन चलता रहे, क्योंकि लॉकडाउन का तीसरा फेज भी अब बढ़ चुका है 2 हफ्तों के लिए और अब 17 मई को हटेगा लॉकडाउन, जिसके चलते 21 मई को महाराष्ट्र के अंदर एमएलसी के चुनाव भी होने वाले। तो दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान कर दिया है, जिस प्रकार से सीमाएं खोल दी गई है लॉकडाउन के चलते, अब वो जल्दी वापस सील की जा रही है सीमाओं को, क्योंकि लगातार अब आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी और WHO ने भी चेतावनी जारी करके कहा है कि अगर भारत के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो फिर से ये आंकड़े और बढ़ने की पूर्ण संभावना जताई जा सकती है, जो पूरे भारत देश के अंदर लिए काफी ज्यादा चिंताजनक आंकड़े भी होंगे। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि उत्तरी कोरिया के किम जोंग की एक ताजा तस्वीर सामने आई है, जो एक फीता काटते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ में सिगरेट लेकर पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले किम जोंग की जो खबरें सामने आई थी कि 16 अप्रैल से किम जोंग कहीं लापता हो गई है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके चलते अमेरिका फिर से बड़ी चिंता के अंदर नजर भी आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि उत्तरी कोरिया के किम जोंग 16 अप्रैल से कहीं और गायब हो चुके हैं, नजर नहीं आ रही है। अंदेशा यही लगाया जा रहा था कि किम जोंग अब वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन डॉन वापस आ चुके हैं किम जोंग। और दूसरी तरफ भारतीय आर्मी के द्वारा लगातार हो रहे पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आर्मी तैनात हो चुकी है पीओके और जम्मू कश्मीर के अंदर, और पीएम मोदी ने भी कहा कि आप जल्द से जल्द उन पर एक्शन और कार्रवाई करें, अन्यथा गृह मंत्रालय भी बड़ी एक्शन में होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अब कड़े एक्शन में नजर आ रही है। दूसरी तरफ मजदूरों को घर लौटने के लिए सोनिया गांधी ने राजनीति प्रारंभ कर दी है, जहां केंद्र सरकार ने ट्रेन के अंदर लौट रहे मजदूरों को किराए वसूलने की बात कही थी, उसके चलते अब सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो मजदूर घर लौट रहे हैं अपने राज्यों के अंदर, उनके किराए और खाने का सभी प्रबंध कांग्रेस सरकार करेगी, चाहे उनकी सरकार बनी हो या फिर नहीं बनी हो, और उन्हें मजदूरों को राहत देने के लिए कांग्रेस सरकार आगे आएगी, जिसके चलते लगातार अब राजनीति की सरगर्मियां और भी बढ़ चुकी है और लगातार बयानबाजी भी हो रही है बीजेपी सरकार को लेकर, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ही ट्रेन शुरू की गई थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इसको लॉकडाउन को लेकर राजनीति शुरू कर दी है।
जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आज सुबह की, वही आप जुड़े रहे हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि आने वाले हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।